फतेहाबाद के छात्र छात्राओं ने टोहाना के बस स्टैंड पर निजी बस संचालकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन छात्र छात्राओं के साथ इनके परिजन भी शामिल थे, जिन्होंने निजी बस संचालकों पर गंभीर आरोप जड़े। फतेहाबाद के बस डिपो से सामने आई ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ये छात्र कितने परेशान हैं। बस के आगे नारेबाजी करने वाले ये वो छात्र हैं जिन्हें कभी समय पर बस नहीं मिलती। छात्रों के आरोप है कि निजी बस संचालक अपनी मनमर्जी के हिसाब से ही बस को चलाते हैं, और तो और बस पास होने के बावजूद उनसे किराया वसूल किया जाता है और कई बार तो उन्हें आधे रास्ते में ही बस से उतार भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स हैं, कोई फतेहाबाद जाती है, कोई रतिया जाती है, तो हमारा डेली का आना जाना होता है। तो ये जो रूट वाले बसेस वाले हैं वो हमसे रोज ही मतलब लड़ाई झगड़ा करना, एक तो अपनी टाइम पे बस नहीं लेके आते। हमारे वहाँ गांव में है 8 बजे का टाइम पहले था, अब क्या है 10 मिनट पहले ले आते हैं, 20 मिनट पहले ले आते हैं। अगर बोला कि अपने टाइम पे लाओ, हम तो 20 मिनट पहले लाएंगे, ये इनके बहाने होते हैं। यहाँ से होता है 2:50 वापस जाने का टाइम, तो जब हम आके बैठे तो ये बहाना लगा रहे कि ड्राइवर को तो बुखार है, वो तो वापस नहीं जा रहे, तो ये कोई सलूशन नहीं हुआ। आरोप सिर्फ स्टूडेंट्स के नहीं है बल्कि उनके परिजनों के भी हैं। परिजनों की माने तो बस चालक कई बार बस में ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि बस में छात्राओं के लिए असुविधाजनक माहौल भी बन जाता है। अब प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स और उनके परिजनों का कहना है कि वो धरना प्रदर्शन तभी खत्म करेंगे जब प्रशासन की ओर से सरकारी बस चलाने के लिए हामी भरी जाएगी। जब भी ये मतलब बस चलाते हैं, जब लड़कियों का अटैक होता है उसमें गलत गाने लगाते हैं जी, अटैक में गलत गाने लगाते हैं और कई बार इनकी ड्रिंक वगैरह भी की होती है, तो हम चाहते हैं कि जो इनके मालिक हैं इनके ऊपर मान लो कोई कार्रवाई करे या पुलिस प्रशासन है इनके ऊपर कार्रवाई करे। आपने प्रशासन को इस बारे में शिकायत वगैरह जी पहले भी दे चुके हैं, आज फिर एक बार फिर हमने मान लो एप्लीकेशन लगा दी है, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई बनती है। जब तक हमारा कोई फैसला नहीं होता तब तक ये बसें नहीं चलेगी। आपकी मांग क्या रहेगी कि बसें बंद रहेंगी? जी बसें बंद हैं, जब तक हमारा कोई सलूशन नहीं होता, हल नहीं होता तब तक बसें बंद हैं। वहीं छात्रों के इस प्रदर्शन की भनक लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने छात्रों समेत उनके परिजनों को आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करवाई जाएगी। अभी बस के जो रूट है वो निर्धारित नहीं है और उनका टाइमिंग भी नहीं, आगे पीछे करके चलाते थे, उसके रिगार्डिंग बच्चों ने स्ट्राइक की थी। अब बच्चों को भी बता दिया गया अभी मतलब आगे से टाइम टू टाइम बस चलेगी, और उन्होंने एक लिखित कंप्लेंट दी है भी मतलब ऐसे ऐसे हमारे साथ थोड़ा बहुत बदतमीजी भी करते हैं, जैसे बस पास चेक करते हैं, और तो बस पास चेक करने का तो प्रावधान भी है, वो कर सकते हैं, पर अगर ऐसा कुछ अगर गलत बच्चों के साथ हो रहा है तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।